हांगकांग पुलिस की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट किया गया है। देखिए इसमें बताया गया है कि कैसे श्री मोहम्मद शफी, जिसके बारे में हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उनको यहां पर कैसे बारामूला में, इस जगह को भी बाकायदा लिखा गया है बारामूला में, यहां पर वाइल्ड प्रेइंग अजान, यानी कि जब वो मस्जिद में अजान के लिए यहां पर जा रहे थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब यह भी बता दिया गया है कि यहां पर जो बाकी आने वाली डिटेल्स है उनका इंतजार किया जा रहा है, यानी कि आतंकी किस संगठन से जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि जो एरिया है, यानी कि जो जगह है, यहां पर अब पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ऑफिशियली जो ट्वीट किया गया है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये इस बात की तस्दीक करता है कि अभी इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, यानी कि ये आखिर कैसे यहां पर टारगेट किया गया और क्यों किया गया, क्या ये एक संदेश देने की यहां पर कोशिश है, जैसा रिफत भी कह रहे थे, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से लिखा गया है, आतंकवादियों ने गेंटमुल्ला शीरी बारामूला में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी पर मस्जिद में अजान पढ़ते समय गोलीबारी की और जख्मी हो गए, इसके लिए इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये जो ट्वीट किया गया है ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जगह का नाम भी लिखा गया है और जिनकी गोली मारकर हत्या हुई है उनका नाम भी बकायदा लिखा गया है। लेकिन अब इसके आगे लिखा गया है फर्दर डिटेल्स अवेटेड, यानी कि अभी और जानकारी इस मामले को लेकर आना बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके से और ऐसी जगह पर और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या करने का मतलब क्या है, सॉफ्ट टारगेट उनको मिला था और उसी से एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश थी कि चाहे आप रिटायर भी हो गए हो लेकिन उसके बाद भी अगर आप आतंकियों के खिलाफ इस तरीके से ऑपरेशन चलाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बहुत बड़ा सवाल भी है, और ऐसे वक्त में जब एक एक करके आप देखिए कि इनका खात्मा हो रहा है, हमारे जवान पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद हैं, आतंकियों को चुन चुनकर मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी नापाक हरकतें, और इसी का एक और बड़ा उदाहरण है कि बारामूला में रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी की मौके पर यहां पर मौत हो जाती है, क्योंकि उनको गोलियों से यहां पर भून दिया जाता है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिफत का एक बार फिर से हम रुक करेंगे, लेकिन तस्वीर जरा आप देखिए कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये ऑफिशियल जानकारी अब दे दी गई है और उसमें बताया गया है कि कैसे जो आतंकवादी हैं उन्होंने यहां पर फायरिंग की है और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की इसमें हत्या हो गई है। मस्जिद में अजान देते वक्त आतंकियों ने गोली मारी है। मौके से तस्वीर जो कहती है वो ये कि अब वहां पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, चूंकि हालांकि रात के समय में जरूर ये फायरिंग हुई है, लेकिन क्या वो यहां से भाग चुके हैं, कितने तादाद में वो आतंकी वहां पर थे, कहीं वो यहीं पर कहीं छुपे हुए तो नहीं है, इन सब को देखते हुए पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए, आपको यहां पर बड़ी तादाद में दिखाई देगा कि कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए, इन आतंकियों को मार गिराया जाए। वही जगह है, उसी जगह की तस्वीर है जम्मू कश्मीर के बारामूला में जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। बारामूला में इससे पहले इस तरीके का मामला नहीं सामने आया, यानी कि किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई हो, जैसा रिफत भी मेरे सहयोगी बता रहे थे। इसीलिए अब ये समझने की भी जरूरत है कि कहीं ये एक बाकी पुलिस अधिकारियों के लिए संदेश के तौर पर तो नहीं उन्होंने हत्या की है और ये बताने की कोशिश की गई है, कहीं ये जो पुंछ और राजौरी में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चूंकि हमने आपको दिखाया कि कैसे अखनूर में भी एक आतंकी को वहां पर ढेर कर दिया जाता है, सुरक्षा बल पूरी तरीके से खास तौर पर वो सारे इलाके जो सेंसिटिव है वहां पर मुस्तैद है, चप्पे चप्पे को इस वक्त इसीलिए खंगाला जा रहा है क्योंकि कहीं वो दूसरी जगह से सहारा लेकर आगे ना भाग जाए, पाकिस्तान ना चले जाए। रिफत ज्यादा जानकारी के साथ फिर से जुड़ गए हैं। रिफत ये बताइए कि क्या ये असर उस बात का हो सकता है जम्मू उधर, बाकी आप देखिए पुंछ राजौरी और फिर अखनूर में भी जिस तरीके से हमारे जवान मुस्तैद हैं, क्या यह असर है कि दूसरी जगह को चुनकर एक संदेश दे दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम अभी भी अलग अलग जगहों पर इसी तरीके के हमले करेंगे? देखिए कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो है अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक्टिव हैं, हम कोई भी हमला कर सकते हैं। और ऐसा मैंने कहा कि कश्मीर में जो है साफ टारगेट आजकल नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कि एक साफ टारगेट को ढूंढ के एक बड़ी खबर बनाना चाहते हों या बाकी पुलिस के लोगों को डराना चाहते हों कि जो भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करेंगे तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी बाकी डिटेल्स क्योंकि
आनी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से ये मस्जिद के दौरान जो है अजान देने गए थे और उस पर हमला हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि वो किसी को भी कहीं पे भी मार सकते हैं। तो ये जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था, एसएसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर था और उस पर यह हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो है ये प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खबरों में रहना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहीं पे भी हमला कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने पूंछ की बात की, तो वहाँ पे आर्मी पे अटैक किया गया और उसके बाद मिलिटेंट भागे और एक बड़ी खबर बन गई, तो यही एक हो सकता है कि रीजन रहा हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या अब जो बाकी पुलिस के, क्योंकि सैकड़ों ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हुए हैं और इंस्पेक्टर लेवल के, डीएसपी लेवल के, एसएसपी लेवल के, आईजी लेवल के, क्या अब उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, क्या इसके पास सिक्योरिटी थी और इसे इस्तेमाल नहीं की, ये अब डिटेल्स आ जाएंगी, क्योंकि एसएसपी लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं ऑलमोस्ट सबके पास यहाँ पे सिक्योरिटी हैं जो रिटायर्ड हुए हैं। तो क्या इनके पास सिक्योरिटी नहीं थी, इनको सिक्योरिटी कवर नहीं दिया गया था, या उन्होंने मजबूरी नहीं समझी थी उस एरिया में सिक्योरिटी की, तो यही वजह हुआ कि इसको जो है टारगेट बनाया गया। और रिफत, जो ये बारामूला है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बसा हुआ एक ज़िला है और इससे पहले भी जो घुसपैठ की कई सारी खबरें हैं वहाँ से सामने आती रही हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या वहाँ पर भी ऐसे जंगल हैं या ऐसी गुफाएं हैं जिनका सहारा लेकर वो कहीं छिप जाते होंगे और रात के अंधेरे में वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देते हैं? जी बिल्कुल, जो गांटमुला एरिया है ये शीरी एरिया में पड़ता है, या हम समझे कि उड़ी एरिया में पड़ता है। उड़ी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ एरिया है और उस पूरे एरिया में जो है घुसपैठ की कोशिशें होती रहती है, मिलिटेंट की प्रेजेंस रहती है, लेकिन दूसरे साइड से इसको सिक्योर समझा जाता है, एरिया को बहुत ही सेफ समझा जाता है, क्योंकि प्रेजेंस वहाँ पे सुरक्षा बलों की ज़्यादा है, आर्मी बहुत ज़्यादा तादाद में है, बीएसएफ उस पूरे एरिया में है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, तो इस पूरे एरिया को, क्योंकि शिरी जो है वहाँ पे पुलिस लाइन भी हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन वो भी वहाँ पे है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी है वहाँ पे, तो ये समझा जा रहा है कि खासतौर से उड़ी से लेके बराबर बारामूला टाउन तक जो है चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, तो इस बीच अगर इस तरीके का अटैक हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी वहाँ पे पुलिस के अधिकारी होंगे या रिटायर्ड आर्मी के लोग होंगे तो शायद वो इनसिक्योर फील करेंगे। आप देखना होगा कि उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, क्या एडवाइजरी जारी की जाएगी, और वैसे ही एडवाइजरी जारी की गई थी पुलिस की तरफ से कि एहतियात बरता जाए, जहां जहां पे भी कोई पुलिस का अधिकारी घर जाता है वो वहां पे ये करें, एहतियात करें, लेकिन रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के लिए अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है रिफत, इसकी डिटेल्स अभी और भी आना बाकी है और इसको लेकर आप नजर बनाए रखिएगा न्यूज 18 इंडिया पर, हम दर्शकों को हर छोटी जानकारी भी इस मामले से जुड़ी हुई जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से है, जहां पुंछ की डेरा की गली में हुए आतंकी हमले में शहीद जवान, जो चार जवान शहीद हुए, आज 9:30 बजे राजौरी में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर न ले जाकर राजौरी में ही अंतिम संस्कार किए जाने का यह फैसला किया गया है। शहीदों का अंतिम संस्कार डेरा की गली इलाके में हमले वाली जगह पर किया जाएगा। शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार वालों को राजौरी बुला लिया गया है, यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद जो आखिरी श्रद्धांजलि है, अंतिम संस्कार है, वो किया जाएगा। जो परिवार जन है उन्हें यहाँ पर बुला लिया गया है और ये तय किया गया कि जहां पर यह हमला हुआ था, यानी कि जहां पर उन्होंने शहादत दी, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।